और शक्ति असीम है, इतनी असीम शक्ति है कि एक केतु देवता राहु देवता भी मुक्ति दे सकते हैं, शनि और यम की तो बात ही अलग है। और यह उपनिषदों में कथा आती है, नचिकेता को आत्मज्ञान शनिदेव महाराज के छोटे भाई यमराज ने प्रदान किया था। ये बात लिख ले आप, ठीक है कि नहीं? तो अब ध्यान करना है, क्या ध्यान करना है? अब ओम नमः शिवाय ओम बोलना है, यहाँ पे भगवान शंकर को देखना है, और तब क्या ध्यान करना है, तब क्या बोलना है? ऊपर मन में ओम बोलो तो राम, नीचे नमः बोलो, नमः शिवाय बोलो तो राम, और आगे ओम नमः शिवाय नमः ओम बोलो तो राम, या तो तीन बार या चार बार आपने ओम नमः शिवाय ओम के साथ राम 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 बोलना है, राम 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 ऐसे बोलना है। थोड़ा सा मन का संयोग करोगे तो आज एक ऐसी विधा मिलेगी जो जीवन में आपने सुना नहीं होगी। मनु भैया कन फूक वे गुरु नहीं है, मनु भैया को जो मिला है वो डायरेक्ट देवता से मिला है, और इस संसार में ऐसे बरला लोग बहुत ही कम होते हैं जिनको सीधी देवता से आमंत्रण और शक्ति प्राप्त होती है। तो शनिदेव महाराज मेरे भाग्य के दाता है, वो सामने बैठे हैं, उनकी सौगंध खा के कहता हूँ कि मेरा इस पृथ्वी पर कोई ऐसा गुरु नहीं है जिसने आध्यात्मिक शिक्षा आध्यात्मिक दीक्षा मुझे दियो शनिदेव महाराज के अलावा, और ज्योतिषीय शिक्षा भी। अगर कोई ज्योतिष देखने पे आए तो मनु भैया उनको भी विफल कर सकते हैं, कितने ही बड़े ज्योतिष आचार्य हो और कितने ही बड़े वास्तु दोष वाले हो, ठीक है। लेकिन मनु भैया ने ये विधायक पैसे कमाने के लिए नहीं किए, ये विधायक पैसे कमाने के लिए नहीं सीखी, ये सब भगवान की कृपा से अपने आप हो जाता है। लेकिन आपको पैसा नहीं कमाना है, पैसे कमाने के लिए आपको कोई यत्न भी नहीं करना है, अपनी रोटी चलेगी चलेगी। जब भूखा मरने लगूंगा तो किसी भी बहन से कह दूंगा थोड़ा तेरे लिए जाप कर दूंगा आज का एक माला, तू मेरी दो रोटी ले आई हो, ठीक है ना? तो कोई मेरी टेर सुन लेगा, वरना तो इस शरीर का नाश तो अगर संभावी है, कोई दो रोटी खाए, कोई चार रोटी खाए, कोई भर पेट खाए और कोई खाली पेट रह जाए, मरना सभी को है, मरना ही अमर है और बाकी यह जीना अमर है ही नहीं। और एक तरह से मरता भी कोई नहीं है, जो अपने स्वरूप में अपने आत्मा को धारण कर लेता है वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, ठीक है। एक बार 5-10 मिनट चाय पीने में लगेंगे, आप लोग चाय पी ले, वो चाय सर्व कर रहे हैं, उसके बाद जो है आप सबने 1 घंटे तक ऐसे ही जप करना है, और वो जप आज दुनिया का सबसे बड़ा जप होगा, और इस जप से सारी दुनिया आपसे कांप जाएगी, इस जप से आज महान भक्ति को आप पा सकेंगे, इस जप से आज भगवान शंकर की भगवान राम की एक रूपता आपको महसूस हो जाएगी, इस जप से आप आज पार उतर जाएंगे। बोलिए शंकर भगवान शनिदेव महाराज की जय, शनिदेव। और फिर आपको बताएंगे कि आपके पेट में कितना असर आया है, साथ साथ मैं दिखाता रहूंगा, आपकी जब आंखें बंद होगी आप यहाँ भगवान शंकर का ध्यान कर रहे होंगे, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करेंगे, तब साथ के साथ मैं अपने लोगों को दिखा के आपको ये बता दूंगा आपका जप लग रहा है, आप अभी इस अवस्था में बैठे हो। जय शनिदेव, जय शनिदेव।